बगान में एक अंदर घुस गया, इसको निकालना है क्या? नहीं। आ जाओ, ये क्यूट क्यूट दो बच्चे, बकरी के बच्चे बहुत सारे क्यूट है, बहुत सुंदर है। ऐसे हाथ मिलाते हैं जरो, ठीक है बस। गाइस आज मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, तो हम लोग रेडी हो गए हैं और ये भी रेडी हो रहे हैं, और बहुत सारे सामान हमने जैसे पैकिंग कर लिया है, बैग वगैरह सब रेडी है, बाहर गाड़ी आई हुई है, तो अभी हम लोग मम्मी के घर निकलते हैं गाइस। तो चले बने रहिए गाइस वीडियो में। गाइस हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं यहाँ मार्केट के पास, तो यहाँ से मिठाई लेंगे। ये है तोप चाची मार्केट, ये तोप चाची मार्केट इधर है, तो इधर ही गए हैं, कहीं पर मिठाई दुकान है, वो गए हैं मिठाई लाने के लिए। और यहाँ से हम लोग जाएंगे सबसे पहले दीदी के यहाँ, मतलब इनकी जो दीदी है वो दुर्गा में रहती है, दुर्गा क्वार्टर में, तो सबसे पहले उनके पास जाएंगे, उनसे भेंट मुलाकात करेंगे, फिर वहाँ से मेरी मम्मी के यहाँ चलेंगे गाइस। तो गाइस वीडियो में बनी रहिए। गाइस हम लोग दीदी के घर पहुँच चुके हैं और गाड़ी से उतर गए हैं। ये देखिए दीदी का क्वार्टर, अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग। कौन है? चलो चलो खोलो खोलो प्रियंशी। हाँ चलो चलो, दीदी के घर आ गए हैं। अच्छा, और बाहर में ही इधर भैया बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। आप गार्डन यहीं पे बना? हाँ चलिए अंदर चलते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। दीदी का क्वार्टर, ये बाहर का हॉल है, इन्होंने ये बनवाया है। एक्चुअली ये क्वार्टर में नहीं है, मतलब बाहर आंगन था बहुत बड़ा, तो उसी को दीदी ने बहुत बड़ा रूम बनवा लिया है, कंफर्ट एकदम कंफर्टेबल बनाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बैठेंगे। नहीं कुछ नहीं, अभी आप आए ना, ये है दीदी। दीदी आ गई है। हाँ लीजिए। कौन दीदी है? शीतल बहू तो बड़ा हो गया, खुश रहे, पहचान नहीं पा रहे हैं। सिद्धार्थ बातों में लग गया है, हाँ हम लोग का ये ब्लॉग चल रहा है। गाइस फाइनली हम लोगों ने भेंट मुलाकात कर ली, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अभी जाएंगे मम्मी के घर। तो गाइस चलिए आगे बने रहिए। गाइस फाइनली मैं मम्मी के घर पहुँच चुकी हूँ, अभी मम्मी बगल में है, तो सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने सोचा था मम्मी के घर पे अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है गाइस, तो अभी तो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, और वहाँ से आने के बाद ही आगे का वीडियो मैं बनाऊंगी। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। गाइस मैं डॉक्टर के पास आ गई हूँ और अभी मैं दिखाती हूँ, वेदर देख सकते हैं गाइस कितनी ख़राब है, क्लाइमेट बहुत ख़राब है, तो इस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो अभी मैं दिखा के वापस आती हूँ गाइस वीडियो पे। तो गाइस डॉक्टर के पास दिखा के अभी निकल के अभी घर जाते हैं, चलिए गाइस घर की ओर। गाइस अभी डॉक्टर को दिखा के घर आ गई हूँ, तो अभी घर में देखते हैं कौन क्या कर रहा है। आ जाओ, ये क्यूट क्यूट दो बच्चे, बकरी के बच्चे बहुत सारे क्यूट है, बहुत सुंदर है। एक नितुम दो छोटो, हाँ नहीं अभी तक तो इनके नाम नहीं रखे गए, नहीं तो बकरी के बच्चों के सबके नाम रखे जाते हैं।
कितने क्यूट है, क्यूट क्यूट बकरी के बच्चे, सॉफ्ट सॉफ्ट भाग रहे इधर आ जाओ, दोनों भागते रहेंगे इधर उधर, जोरो का किसी के पास नहीं आएंगे, आएंगे भागेंगे, खाने के लिए मिलेगा तो जरूर आएंगे। जोरो का पूछ देखो बैठने का। जोरो किस तरह बैठा हुआ है, जोरो इसके पास आने से तो ये खुशी हो जाता है, सिर्फ पूछ ही जाते रहता है, सिर्फ पूछ ही जाता रहता है, और चाहता है कि मुझे सिर्फ प्यार करो, सिर्फ मुझे प्यार करो, प्यार करो जोरो, प्यार करो सिर्फ। हाँ क्या चाहिए बोलो, बोलो क्या चाहिए जोरो, जोरो जोरो। बकरी की मम्मी आ गई है उधर, बस अब दोनों खुश हो जाएंगे, दूध पियेंगे खुश हो जाएंगे, फिर खेलते रहेंगे दोनों छोटे छोटे बच्चे। और ये जोरो को तो हमेशा पास ही आदमी चाहिए, इसको अकेले रह नहीं सकता है, हाथ मिला रहा है, दो रहा हाथ मिला रहा है, ऐसे हाथ मिलाते हैं जोरो। हाँ ठीक है बस बस हो गया हो गया हो गया। चले चले अभी बगान की तरफ जाते हैं, उधर कुआं है, कुएं बहुत सारे केले के पेड़ है, क्या क्या है देखते हैं। चलिए जलाएं से बाहर हथा कम है, इतना ही खेलेंगे उतना ही खेलेंगे, अभी बगान की तरफ जाते हैं। जोरो बगान की तरफ जाना है तो तुम यहीं पे रहो, चलो नेहा अभी चूल्हा जलाएगी कि आग है। हाँ थोड़ा थोड़ा आ गए, इसी में कोयला ऊपर से डाल देने से नया तेज आंच हो जाएगा है ना, सिर्फ कोयला डालेगा और कुछ नहीं। हाँ देखो नेहा काम कर रही है गांव में है बोगे, कोयला डाल दिया, अब ये चूल्हा अच्छे से रेडी हो जाएगा, बाद में इसमें बहुत ज्यादा आंच आएगी, ताव आएगा इसमें बाद में, ताव या आंच क्या बोलते हैं, ताव बोलते हैं हम लोग की भाषा में, तो बहुत ताव आ रहा है, आंच आ रहा है। ए जरो बैठे रहो, बस 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 यही बैठे रहो अपना बिस्तर में, बहुत अच्छे से बिछा दिया गया है, वो अभी सो जाएगा इसी में लेते जाएगा। अभी चले हम लोग बगान की ओर जाएंगे, चले बाहर बगान, चलो अरे यहाँ पे माँ तो कोयला जला रही है, मतलब ये कोयला अभी कच्चा है तो कोयला जला के थोड़ा पकाया जाता है, उसके बाद वो जो चूल्हा में जलाते हैं तो उसके बाद अच्छा से ये आँच फेंकता है, तो अभी ये कोयला को जला रही है माँ, बाद में इसको पानी डाल के बुता देंगे, फिर अच्छा कोयला तैयार होके निकलेगा, जो चूल्हे में जलाने के टाइम अच्छे से वो आँच देगा और धुआं नहीं देगा, धुआं अभी इस समय निकल के चला जाता है कोयले का जो तेल सब रहता है, तेल वाला कोयला वो सब निकल जाता है अभी, और बाद में बस मतलब खरा कोयला बीच का जो आँच देता है ना, ताव देता है जिसमें खाना बहुत अच्छे से पकता है, बस वो कोयला रेडी होके निकलेगा। यहाँ धुआं दे रहा है, अभी थोड़ी दूर उधर चलते हैं बगान की ओर, अभी भी पीछे साइड से धुआं आ रहा है तो हम लोग वहां से निकल के आगे आ गए हैं। इधर ये बगान है, माँ ने यहाँ पे बहुत सारे साग लगाए हैं, सरसों के साग, इधर आम का पेड़, सामने कुआं है और यहीं पे केले का पेड़ है, ये छोटा 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 केले का पेड़ है, लेकिन इसमें जो केले आते हैं बहुत बड़े बड़े आते हैं, इधर भी एक फूल आया है उसमें केले भी आए हैं, और इस साइड से भी इसमें भी बहुत सारे केले आए हैं, वाह कितने बड़े बड़े केले आए हैं, और घर पे भी एक बकेट रखा गया है मतलब पकने के लिए, वो पक रहा है उसको खा सकते हैं, उसमें भी उसमें पेड़ में भी पक रहे हैं, थोड़े से पीले पीले हो गए हैं, बहुत केले आते हैं बहुत, इस छोटे से पेड़ में बहुत अच्छे अच्छे केले आते हैं। अब आगे जाते हैं कुएं के साइड साइड से, वो लोग गाँव में आएंगे तो बाहर ही घूमने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, सब खुला खुला पेड़ पौधे फल पेड़, मतलब फल के पेड़, या अमरूद का पेड़ है यहाँ पे, आम के पेड़, बस केले का पेड़। अभी बाहर की तरफ बाहर निकल के आए हैं, बाहर की ओर भी आते हैं घूमते फिरते हैं, साग सब्जी ये सब सब लगाए जाते हैं बाहर में, मतलब गांव में। यहाँ पे हम घर के पीछे आए हैं बाड़ी की तरफ, यहाँ कितने सारे कुत्ते के बच्चे आए हुए हैं,
सब कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे इधर, मतलब ये सब कुत्ते गली के कुत्ते जैसा नहीं है, मतलब इनको ये एक ही परिवार में रहते हैं, हम लोग के जैसे आसपास परिवार है वो लोग ही इनको खाना वाना देते हैं, बाहर तो कुछ खाने के लिए जाते नहीं है, बगान की तरफ ही रहते हैं, तो घर के आजू बाजू ही रहते हैं। सरसों का पेड़ यहाँ पे प्याज लगाए हैं, प्याज की खेती हुई है, और इधर सरसों भी है, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, अभी फूल आ गए हैं। आलू लगाई थी मम्मी तो आलू निकाल लिए, और कुछ कुछ आलू बीच में ये रह गए हैं, इसको निकाले नहीं है। और मेथी के पेड़, तो मेथी का मतलब साग बहुत आए है। हाँ कोई बात नहीं, इधर गाय को भी बांध देती है मम्मी, मम्मी के गाय बकरी और क्या बहुत है मम्मी के पास, गाय बकरी ये सब मम्मी के ही है, सब बांध के रखती है इनको इधर खाने के लिए। बगान में एक अंदर घुस गया, इसको निकालना है क्या, नहीं तो साग क्या क्या खा लेगा सब। माँ सुबह सुबह साग तोड़ के ले गई, जब हम लोग के डॉक्टर के पास गए थे तभी माँ ने साग निकाल लिया यहाँ से और वो खाना बना दिया। यहाँ पर चाची ने मुर्गियों को नेट के अंदर बांध के रखा है ताकि इधर उधर ना जाए, और जो घर में साग सब्जी बनाया जाएगा वही पत्ते इनको यहाँ डाल दिए जाते हैं, वो खाते रहते हैं, और खाना दाना पानी जो यहाँ पे देते रहते हैं बर्तन में वो खाते रहते हैं। और बहुत सारे मुर्गी के बच्चे आए हैं, हाँ मेरी बहन बोल रही है कि 14 बच्चे आए हैं, बहुत सारे चिक्स है, चिक्स छोटे छोटे चूजे, और ये मुर्गी यहीं पे आराम से रहती है। चलो बगान तो खराब नहीं करती, नहीं तो बगान जाएगी तो सारे साग सब्जी ये तोड़ तोड़ के खा लेगी। गाइस खाना खाने के बाद अब मैं छत जा रही हूँ, हम लोगों ने खाना खा लिया है, और बाबू सिद्धार्थ और उसके पापा पहले ही छत पे जा चुके हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ गाइस। गाइस अभी मैं छत की ओर जाऊंगी, थोड़ी सी धूप आई है तो धूप का थोड़ा सेक ले हम लोग, क्योंकि एकदम सुबह से धूप नहीं, बारिश हो रही है 2-3 दिन से, तो अभी थोड़ा छत की ओर जाएंगे, छत में थोड़ा सा धूप सेकेंगे क्योंकि नीचे तो छांव हो रहा है तो ठंडी लग रही है। यहाँ पर सिद्धार्थ तो पहले से खेल रहा है, यहाँ ईंटों से ये खेल रहा है, इसका खेल चालू है यहाँ पर, और इधर इन्होंने मैट बिछा के ये लेटे हुए हैं, जैकेट तो हम लोग कोई खोल ही नहीं रहे हैं, जैकेट में ही हम लोग सुबह से शाम हो जाता है, रात से दिन हो जाता है। ये देखिए गाइस दो बहनों का प्यार, बहुत दिन बाद ये आई है अपनी बहन के यहाँ, उसकी दीदी उसकी बाल बना रही है, और इसकी छोटी बहन मोबाइल पे बिजी है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही है, और सिद्धार्थ उधर जोरों के पास मजा ले रहा है। डिंडा और जोर का लड़ाई हो गया था, कौन जीता, जोरो जोरो जी। ये देखिए गाइस सिद्धार्थ दो बकरी के बच्चे के साथ खेल रहा है, ये छोटे छोटे बकरी के बच्चे बहुत सुंदर और बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने साफ इतने क्यूट। कपड़ा सूख गया क्या, सूख गया थोड़ा बहुत, अभी धूप कमजोर हो गया है तो अभी चलिए नीचे चलते हैं, ठंडी लग रही है छत में भी, पता नहीं। गाइस यहाँ का मौसम इतना ठंडा और इतना कपकपी है ना कि हम जब से आए तब से एकदम हालत ही खराब हो गया है। सिद्धार्थ की मम्मी तो बीमार भी हो गई, इसको आज सुबह ले गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास दिखा के आए हम लोग, तो अभी थोड़ा सा धूप आया दिन में तो हम लोग बोला चलो छत में जाके बैठ जाएंगे और धूप का थोड़ा आनंद लेंगे, लेकिन 1-1.5 घंटा जैसे बैठे हम लोग उसके बाद धूप भी अभी ऐसा लग रहा है गायब हो गया है, और हम लोगों को भी ठंडी लग रही है, तो अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। गाइस मैंने खाना खा लिया है, मैंने तो सादा सादा सिर्फ दाल भात खाया, और अब मुझे दवाई खानी है, और इन लोगों का खाना अभी बाकी है, ये लोग खा रहे हैं, अभी तक मछली इन लोगों ने खाया नहीं, इन लोगों को मछली मिली है खाने के लिए। मैंने तो आधा मछली खा के खत्म कर दिया है, इनका मछली खत्म होने को आया, खाना भी खत्म होने को आया, सिद्धार्थ ने भी खाना खत्म कर दिया फिश से सिर्फ, और पहले इन लोगों ने फ्राइड फिश खाया। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बढ़िया।